हेलो दोस्तों, टेक्निकल ज्ञान अपायरितेस में आपका स्वागत है। आज मेरे पास एक रिपेयर करने के लिए फ्री डिश का सेट टॉप बॉक्स आया हुआ है जो फ्लेट्रॉन कंपनी का है। इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसका जो इनपुट कोड है डिश के तार का, ये टूट चुका है, देख सकते हैं आप। अब इसे मुझे रिपेयर करना है, तो मैं इसमें ये करूँगा कि इसका जो इनपुट का जो आउटपुट में मैं जम्पर मारकर इसे इसकी सप्लाई इसमें दे दूँगा, तो मेरी डिश की तार इससे कनेक्ट होकर वो उसकी डिश चलेगी। दोस्तों, मैं इस सेट बॉक्स के स्क्रू को ओपन कर रहा हूँ। ये सेट बॉक्स खुल चुका है। दोस्तों, मैंने इस सेट बॉक्स के सारे स्क्रू को ओपन कर लिया, अभी मैं इसे खोलना चाहूँगा। ये खुल चुका है। इसमें बस ये प्रॉब्लम है कि इसका ये जो जैक है, ये डिस के तार का इनपुट का, जब देख सकते हैं ये टूट चुका है, तो मैं आउटपुट में इसकी कनेक्शन जम्पर मार्क कर दूँगा ताकि ये सेट बॉक्स काम करे। आप देख सकते हैं, अब मैं इसके नट को खोल लेता हूँ। दोस्तों, कहीं बोर तो नहीं हो रहे हो? मैंने इसके स्क्रू को खोल लिया है। मैंने इसे ओपन कर लिया है। आप देख सकते हैं कि ये वाला टूटा हुआ है, तो ऐसे तो मुझे ये नया लगाना चाहिए, पर मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो मैं इनपुट की कनेक्शन को आउटपुट पर कर दूँगा। और वैसे भी इसकी ये यूजलेस ही रहता है। आप देख सकते हैं, ये पूरा टूट चुका है। बस मुझे इसमें कनेक्शन करने के लिए यहाँ एक PF होती है। दोस्तों, आप देख सकते हैं ये पूरी तरह से टूट चुका है। तो मैं इसकी कनेक्शन इसमें कर दूंगा। वैसे भी ये आउटपुट का कनेक्शन जनरली यूजलेस ही देखा गया है, इसलिए मुझे यहाँ पे एक PF है, उसे रिमूव करना होगा। अब मुझे एक वायर चाहिए। दोस्त, अब मैं इसे इस वायर को यहाँ पे जम्पर मारूंगा। और एक जम्पर मैं यहाँ मारूंगा। दोस्तों, ये अब वायर सोल्डिंग हो चुकी है। अब मैं इसे पैक करता हूँ। मैं इसके कवर को लगाऊंगा।
ये एक DD3 डिस्क का सेटअप बॉक्स है। इसकी जो समस्या थी वो मैंने सॉल्व कर दिया है। आपके साथ भी अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो तो आप इस जुगाड़ से काम कर सकते हैं। कोई परेशानी नहीं है, इजी सेटअप है। यह हमारा नेट पैक हो चुका है। अब मैं इसे स्टीरियो में लगाकर देखूंगा कि इसमें ये जो डिसकनेक्शन सही हुआ है या नहीं। मैंने इस सेटअप बॉक्स का कनेक्शन कर दिया, आप देख सकते हैं। ये मैंने साइलेंट ही छोड़ दिया है और आउटपुट बटन में मैंने इनपुट का कनेक्शन अंदर से कर दिया है। अब मैं टीवी को ऑन करके देखता हूँ ये चलता है या नहीं। आप देख सकते हैं कि आपका ये जो प्रॉब्लम था नो सिग्नल का, इसके कारण वो कनेक्टर के टूट जाने के कारण जो प्रॉब्लम आ रही थी वो दूर हो चुका है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।